हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट वाले रेडी मिक्स से गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैं रेडी मिक्स पैकेट ली हूँ। इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं 200 ग्राम के लगभग पाउडर ली हूँ। थोड़ा मिल्क डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं। आधा कप से भी कम मिल्क लगा है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक करके। जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। और 1 कप चीनी, ये है चीनी। चीनी को घुलने तक इसे चलाते रहेंगे। जब तक चीनी ना घुले तब तक चाशनी में उबाल आ रहा है। चाशनी ऐसे चिपकनी चाहिए। हम अपने हथेली पे घी या रिफाइंड लगाएंगे और इसका छोटा छोटा गोल बनाएंगे, या आप बड़ा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें अच्छे तरीके से गोल बनाना है, पूरा चिकना, इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सारे गोल बना लेंगे। यहाँ पे सारा गोल बन करके तैयार है। पैन गरम हो चुका है तो इसमें आप रिफाइन या घी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइन डाला है। रिफाइन गरम हो गया है तो अब इसमें गुलाब जामुन तलने के लिए डाल देते हैं। गुलाब जामुन को धीमी गैस पे तलना है और इसको चारों ओर घुमा के पकाना है। ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब इसको चाशनी में डालेंगे। इसको अच्छे से डुबो देंगे ताकि इसमें रस चला जाए। और ये है 3 से 4 इलायची जो कि मैंने इसमें डाला है ताकि इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा आए। ये हमारा तैयार है गुलाब जामुन।